गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के 2 लॉज हमने कर लिए हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. नाउ मूविंग ऑन टू थर्ड लॉ, इट इज़ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वॉज स्टडीड बाय डाल्टन इन 1804. क्या कहते हैं मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ? कि व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर केमिकल कंपाउंड्स, देन द मासेस ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट्स विच कंबाइन विद अ फिक्स्ड मास ऑफ द अदर बियर अ सिंपल रेशियो टू वन अनदर. जब कोई भी दो एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स फॉर्म करने के लिए, जिसमें से उनमें से एक एलिमेंट का जो मास होगा विच कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ द अदर और दूसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन करता है, तो उन दोनों एलिमेंट्स की जो रेशियो होती है वो कैसी होगी? सिंपल रेशियो. एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा. फॉर एग्जाम्पल, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन. कार्बन एंड ऑक्सीजन के हम कंपाउंड्स लेते हैं. टू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, वन इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर इज कार्बन मोनोऑक्साइड. इसमें फिक्स्ड मास किसका है? कार्बन का, बिकॉज वन एटम ऑफ कार्बन कंबाइंस विद टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड. इसी तरह से इन कार्बन मोनोऑक्साइड, एक एटम कार्बन का कंबाइन होता है विद वन एटम ऑफ ऑक्सीजन. तो क्या होता है, कार्बन का रेशियो क्या है? फिक्स्ड. अब जो ऑक्सीजन का मास है विच इज कंबाइनिंग विद फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन 12 पार्ट्स इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इज 16:32. रेशियो क्या है ऑक्सीजन की जो कंबाइन कर रहे हैं कार्बन के साथ? 16:32. या सिंपल रेशियो में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 1:2. क्लियर डेफिनेशन से क्लियर हुआ कि जब कोई भी दो एलिमेंट्स दो या दो से ज्यादा केमिकल कंपाउंड्स फॉर्म करेंगे, तो एक एलिमेंट का मास जिसका फिक्स्ड मास है बाकी के दोनों एलिमेंट्स के साथ, बाकी के दूसरे एलिमेंट के साथ जब वो कंबाइन करेंगे, तो उस एलिमेंट का रेशियो क्या होगा, उनका मास का रेशियो क्या होगा? इट विल बी सिंपल रेशियो टू वन अनदर. अब एक एग्जांपल और देती हूँ मैं आपको, लाइक कंपाउंड्स ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन. सल्फर और ऑक्सीजन के दो कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड. सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर का मास है 32, मास ऑफ सल्फर इज, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इज 32. ऑक्सीजन के टू एटम्स का मास हो गया 32, तो रेशियो कम्स आउट टू बी 32:32. अब सल्फर ट्राइऑक्साइड में सल्फर का मास है 32, ऑक्सीजन का मास हो गया 48. तो जो रेशियो होगी ऑक्सीजन की विच कंबाइंस विद फिक्स्ड मास ऑफ सल्फर इन बोथ द कंपाउंड्स इज 32:48. और जो सिंपल रेशियो में हम इसको सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करते हैं वो क्या हो जाती है? 2:3. और यही हमारा क्या है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. अब हम इस लॉ का न्यूमेरिकल देखते हैं. न्यूमेरिकल से आपको क्लियर हो जाएगा. न्यूमेरिकल है, कार्बन इज फाउंड टू फॉर्म टू ऑक्साइड्स. कार्बन जो है टू ऑक्साइड्स फॉर्म कर रहा है विच कंटेन 42.9% एंड 27.3% ऑफ कार्बन रिस्पेक्टिवली. दो ऑक्साइड्स हैं, दोनों ऑक्साइड्स में कार्बन की जो रेशियो दी है, परसेंटेज गिवन है, वो हमें है 42.9% एंड 27.3%. अब हमें बताना क्या है कि ये जो फिगर्स हैं दे प्रूव द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. अब कार्बन की परसेंटेज दी है दोनों कंपाउंड्स में, तो ऑक्सीजन की परसेंटेज वी कैन फाइंड आउट. कैसे फाइंड आउट करेंगे? टोटल वी नो इट इज 100%, तो 100 में से कार्बन की परसेंटेज माइनस करेंगे तो ऑक्सीजन की जो परसेंटेज आई फर्स्ट ऑक्साइड में वो आ गई 57.1%. सेकेंड ऑक्साइड में ऑक्सीजन की जो परसेंटेज आ गई वो आ गई 72.7%. अब फर्स्ट ऑक्साइड जो है उसमें 57.1 पार्ट्स जो हैं ऑक्सीजन के, वो कंबाइन करते हैं कार्बन के कितने पार्ट्स के साथ?
42.9 पार्ट्स के साथ, ओके, बाय मास। अब एक पार्ट जो होगा ऑक्सीजन का, दैट विल कंबाइन विद कार्बन इक्वल टू 42.9 अपॉन 57.1, क्योंकि हम एक पार्ट का निकाल रहे हैं रेशियो, तो ये कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.751। ये बात थी फर्स्ट ऑक्साइड की, कि एक पार्ट ऑक्सीजन का बाय मास कितने मास के कार्बन के साथ कंपाउंड कर, कार्बन के साथ कंबाइन करता है। नाउ कम टू सेकेंड ऑक्साइड। सेकेंड ऑक्साइड में 72.7% है बाय मास ऑफ ऑक्सीजन, और वो कितने मास के साथ कंबाइन कर रहा है कार्बन के, 27.3 पार्ट्स। तो एक पार्ट कितने के साथ कंबाइन करेगा ऑक्सीजन का, 27.3 डिवाइड बाय 72.7। अब ये जो एक वन पार्ट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन आया है विच कंबाइंस विद कार्बन इन बोथ द ऑक्साइड, हमने क्या निकाला कि एक पार्ट जो ऑक्सीजन का है वो दोनों के दोनों ऑक्साइड्स में कार्बन के कितने मास के साथ, कितने पार्ट्स के साथ कंबाइन करता है, उसका रेशियो निकालना है। अब दोनों का कितना आएगा रेशियो, हम फाइंड आउट करेंगे, 0.751 डिवाइड बाय 0.376। इसको कैलकुलेट जब किया तो रेशियो आ गई 2:1, और यही हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है कि जब दो एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं टू या टू फॉर्म टू और मोर देन टू कंपाउंड्स, तो मास जो होता है एक एलिमेंट का विच कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट, दे बियर अ सिंपल मल्टीपल रेशियो, सिंपल रेशियो टू वन अनदर। तो इस न्यूमेरिकल में क्या रेशियो आ गई हमारी, दैट इज 2:1। वी से दैट इट इज़ अ सिंपल होल नंबर रेशियो। तो ये जो डाटा है, दिस इलस्ट्रेट्स द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्लियर आपको कैसे फाइंड आउट करने हैं न्यूमेरिकल्स में। नाउ नेक्स्ट लॉ है हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या कहता है, दिस लॉ वॉज स्टडीड बाय रिक्टर इन 1792। अब 1792 में जब ये लॉ स्टडी किया तो क्या कहता है ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस, कि रेशियो ऑफ मासेस ऑफ टू एलिमेंट्स ए एंड बी, दो एलिमेंट्स का मास का रेशियो जो कंबाइन कर रहा है सेपरेटली विद फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट सी, थर्ड एलिमेंट सी के साथ फिक्स्ड मास के में कंबाइन करता है, इट इज़ ईदर द सेम, या तो वो सेम रेशियो आएगी और सम सिंपल मल्टीपल ऑफ द रेशियो, या कोई सिंपल मल्टीपल आएगा रेशियो का, किस में, इन विच ए एंड बी डायरेक्टली कंबाइन विद ईच अदर, जिसमें ए और बी डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे, वो फिक्स रेशियो किसके साथ आएगी, सी के साथ।